टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी और आईसीसी की टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव इस वक्त गजब के फॉर्म में है। उनके लिए मंगलवार देर शाम अच्छी खबर आई, अब वो टी20 में टीम इंडिया के उपकप्तान बन गए। बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए जब भारतीय टीम का ऐलान किया तो हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने की संभावना तो जताई जा रही थी, लेकिन किसी को भी इसका भान नहीं था कि सूर्य कुमार यादव की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। बीसीसीआई ने उन्हें अब उपकप्तानी भी दे दी है। साल 2022 में सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था उसने दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों को सकते में डाल दिया था, लेकिन अब उन्हें इस प्रदर्शन का इनाम भी दिया गया है। भले ही वे अभी टीम इंडिया के लिए ना खेल रहे हों, लेकिन उनका फॉर्म इस वक्त भी जारी है। ये भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है। सूर्य कुमार यादव को बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया था। कहा जा रहा था कि उन्हें आराम दिया गया है, लेकिन सूर्य कुमार यादव जब फॉर्म में है तो काहे का आराम। इस मौके का फायदा उठाते हुए सूर्य कुमार यादव रणजी ट्रॉफी में अपनी टीम मुंबई के लिए खेलने लगे। इस बीच उनका जलजला यहां भी देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव ने सौराष्ट्र के खिलाफ तूफानी पारी खेली और सभी को फिर से अचरज में डाल दिया। सूर्य कुमार यादव ने 107 गेंद पर 95 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान एक छक्का और 14 चौके उनके बल्ले से निकले। हालांकि वे 5 रन से अपना शतक पूरा करने से चूक गए। जब सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तब टीम संकट में नजर आ रही थी और शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने न केवल अपने अंदाज में बल्लेबाजी की बल्कि टीम को भी मजबूती देने का काम किया। मुंबई की ओर से इस मैच में बतौर सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और पृथ्वी शॉ मैदान में उतरे। पहले ही ओवर में जब टीम का कुल स्कोर 4 रन था तभी 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पृथ्वी शॉ आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर उतरे सूर्य कुमार यादव, लेकिन दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल भी उस वक्त आउट हो गए जब टीम का कुल स्कोर 6 रन ही था। जायसवाल ने 2 ही रन बनाए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए आए अजिंक्य रहाणे। इन दोनों ने मिलकर न केवल टीम को संकट से उबारा बल्कि मजबूत स्थिति में पहुंचने की भी कोशिश की। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 60 से भी ज्यादा रन की पार्टनरशिप हुई। अजिंक्य रहाणे 24 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने मोर्चा खोला हुआ था और सौराष्ट्र के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। अब सूर्या को साथ मिला सरफराज खान का, लेकिन 95 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव उस वक्त आउट हो गए जब टीम का स्कोर 169 रन था। इस तरह से कहा जा सकता है कि सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम का उपकप्तान बनने के लिए मैदान पर शानदार बल्लेबाजी कर जश्न मनाया।